जिग्नेश को हर जगह से ताने मिले कि उसका शो अब एक फ्लॉप शो बन के रह गया है, जिसे लेकर जिग्नेश अब कुछ बड़ा करने की फिराक में था। वो अपने पार्टनर धवल के साथ एक सोचा समझा भूतिया हादसा बनाता है, जिसमें वो धवल को डुमस बीच पे साड़ी पहनकर कूदने के लिए समझाता है, जिसे वो रिकॉर्ड कर एक सत्य घटना की तरह लोगों को बताएगा। धवल उसका पुराना साथी था तो वो इसके लिए मान गया और सीधे डुमस बीच के लिए वो दोनों सूरत रवाना हो गए थे। वहां चाहते ही जिग्नेश होटल में रुकने वाला था और धवल अपने सूरत वाले भाई के घर। वहां से वो दोनों सीधे रात को 12 बजे साथ में होने वाले थे, जहां से उनका असली काम शुरू होगा। एक तरफ डुमस बीच पे कई सारे लोग दिन के समय घूम रहे थे। डुमस बीच की काली रेत उसके डरावने होने का सबूत दे रही थी। वहाँ घूम रहे लोगों के बीच चर्चा का विषय भी सिर्फ यही था कि पहले ये बीच कब्रिस्तान हुआ करता था और रात को यहाँ आना किसी खतरे से कम नहीं है। खैर, जिग्नेश एकदम टाइम पर डुमस बीच पे आ चुका था और कैमरा सेटअप कर रहा था और खुद से ही कहे भी जा रहा था, आ वक्ते लोगों ने खबर पड़ी जैसे कि जिग्नेश पोतानो शो कदी फ्लॉप ना थवा दे। तभी सेटअप के बाद उसने धवल को सीधा लाइट हाउस में आने के लिए फोन किया तो जवाब में धवल ने भी कहा कि भाई मैं बस साड़ी पहन के तैयार हो रहा हूँ, सीधा लाइट हाउस आके तुझे इशारा करूंगा तो तभी रिकॉर्ड बटन दबा देना। जिसके बाद जिग्नेश समुंदर की ओर देखे देखे इंतजार कर रहा था कि कब धवल आए और वो अपना कीमती वीडियो पा सके। अचानक जिग्नेश को लाइट हाउस के पास सफेद साड़ी में कोई खड़ा दिखा। जिग्नेश ने सोचा कि धवल फोन करके भी तो बता सकता था, लेकिन फिर भी जिग्नेश ने रिकॉर्ड बटन दबाया और चिल्ला के धवल को कूदने को कहा। जिग्नेश अब खुश था कि ये जो घटना है उसके कैमरे में कैद हो गई है। पर कुछ टाइम बीत जाने के बावजूद भी धवल पानी से बाहर नहीं आया। जिग्नेश पता लगाने के लिए पानी के पास गया और वो पानी पर नजर गड़ाए देखे जा रहा था। धवल, धवल, धवल। भाई यार, मुझसे साड़ी नहीं पहनी जा रही है तो ही बता मैं क्या करूं। बस ये सुनते ही जिग्नेश के रोंगटे खड़े हो गए, फोन पे सुन पड़ गया और धवल ने हेलो हेलो करते फोन काट दिया। तभी जिग्नेश के पीछे से कोई आ रहा है ऐसा उसे महसूस हुआ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार है, सब्सक्राइब करें हमें और पाओ हमारे हर नए वीडियो को पहले देखने का मौका। अब आगे जिग्नेश अचानक पलट के देखता है पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वो बहुत घबराया था और वहां से सीधा कैमरा समेट के धवल के घर भाग जाता है। जैसे ही जिग्नेश धवल के सामने पहुंचा तो वो जोर जोर से हांफ रहा था। बड़ी मुश्किल से धवल ने जिग्नेश को शांत किया। तब जिग्नेश ने धवल को अपने कैमरे में कैद हुई उस रिकॉर्डिंग को बताया, जिसे देख धवल भी अब शॉक में था। उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा कि जब जिग्नेश समुंदर के पास फोन पर था तब एक परछाई जिग्नेश को समुंदर में धक्का देने वाली थी, पर जिग्नेश वक्त रहते वहां से भाग चुका था। धवल के भाई को जब यह बात पता चली तो उसने सिर्फ एक ही सुझाव दिया कि तुम्हें इस रिकॉर्डिंग को फेंक देना चाहिए वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। तब जाके उन दोनों ने सुबह ही डुमस बीच पर उस रिकॉर्डिंग को समुंदर में दूर फेंक दिया और हमेशा के लिए उसे भुला दिया। अब उनका शो तो बंद हो गया था, साथ ही उन दोनों के अब रास्ते भी अलग हो गए थे। लेकिन 6 साल बाद भी जिग्नेश अपने साथ उस रिकॉर्डिंग की कॉपी संभाले हुए है। उसने आज तक किसी को नहीं बताया कि उसके पास वो क्लिप क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं जिग्नेश के दिमाग में क्या चल रहा था। तो डुमस बीच पे हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अब स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस में आपको जो पसंद आती है वो क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं किसी और नए खौफ के किस्से में।